So now we are starting the chapter of incorporation of a company. That is the process by which birth is given to a company. Ek company ko janm dene ki jo prakriya hoti hai, use kaha jata hai incorporation. Proprietorship jaise aap dil ko acha lage waise bana sakte ho, company aap aise nahi bana sakte, because company ko control karne ke liye jo pravdhan Companies Act 2013 mein diya gaya hai, uska aapko dilojaan se palan karna hoga, arthat the provisions which are given in Companies Act 2013 with respect to incorporation of company needs to be complied with, and the company needs to be incorporated in pursuance of that provisions, supported by the rules and regulations contained therein as added by the schedules prescribed to the act. So friends, ye chapter ke andar hum dekhenge ki kaise ek company ka incorporation kiya jata hai. Friends, स्टार्टिंग में इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जो ट्रेडिशनल प्रोसेस के तौर पे हम कह सकते हैं जो था, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स इन्वॉल्व थे. देन धीरे धीरे वो उसे लिबरलाइज करके इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आया आईएनसी 29/30/31 का, एंड एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता था कि अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो ट्रेडिशनल प्रोसेस के द्वारा तो वो कीजिए, बहुत सारे फॉर्म भरिए, और अगर आप फास्ट कंपनी बनाना चाहते हो तो इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस फॉलो कीजिए फॉर्म आईएनसी 29/30/31 का. दोनों ऑप्शन अवेलेबल किए गए थे, पर धीरे धीरे इस इनकॉर्पोरेशन की जर्नी को और सिंप्लीफाई करने के लिए और रेशनलाइज करने के लिए और स्पीडर करने के लिए फिर नए फॉर्म्स इनकॉर्पोरेट किए गए, स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली. स्पाइस फॉर्म्स आए, स्पाइस फॉर्म 32, 33, 34. 32 इज द मेन फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन, 33 इज विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 34 इज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एंड फ्रेंड्स, अब से एकमात्र प्रोसेस अवेलेबल है स्पाइस, जिसका हमें पालन करना होगा एंड जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू हैव अ बेस बिफोर वी लर्न द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, you should have an idea with respect to one basic logic that needs to be clarified, is public company ke andar minimum 7 members hote, maximum unlimited ho sakte, private company ke andar minimum 2, maximum 200, and one person company ke andar 1 member and 1 nominee hona chahiye. Now friends, jab aap koi bhi company incorporate karna chahte ho, you have to follow the steps given in the act. To have a better understanding, I have bifurcated the steps into 3 parts. The very first part is formation, the second part is documentation, and the third stage comes where you apply to ROC, that is for the registration process, and if ROC gives certificate of incorporation, the company is incorporated. So formation, documentation, and registration, ye tino stages company ko incorporate karne ke andar आते हैं. अब सबसे पहले ध्यान दें फॉर्मेशन के अंदर, तो दिस स्टेजेस आर प्रिलिमिनरी स्टेजेस, ये आपको करने होते फिर ही आप डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिवली बना पाते हो. जैसे कि सबसे पहला स्टेज फॉर्म पॉइंट इज टू डिसाइड द पर्संस हु आर रेडी टू एसोसिएट विद द कंपनी, द पर्संस हु आर रेडी टू सब्सक्राइब टू द कंपनी, बिकॉज हमें एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए. अगर आप ओपीसी बनाना चाहते हो तो एक मेंबर और एक नॉमिनी चाहिए, अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो 2 मेंबर्स चाहिए, अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए. ये सब की कंपनी को बनाने की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, और उनका कंपनी को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य होना चाहिए वो भी कॉमन होना चाहिए. दिस पर्सन शुड बी रेडी टू सब्सक्राइब टू मिनिमम 1 शेयर इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, एंड इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, देन दे शुड बी रेडी टू गिव द गारंटी फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. तो सबसे पहले हमें ऐसे सब्सक्राइबर्स को ढूंढना होगा. एक बार सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं तो फिर हमें डिसाइड करना होगा कंपनी का ऑब्जेक्टिव. देन वी हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऑब्जेक्टिव में आपको क्या डिसाइड करना होगा, तो कि आप कंपनी को किस काम से बनाना चाहते हो, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर्मिंग अ कंपनी. Remember friends, deciding the objective is equally very very important, because if your company does anything which is beyond the objects of the company, then it will be treated as ultra vires. Ultra means beyond, vires means power, yani beyond power, and even though the thing is legal per se, but for the company it is illegal because it was not mentioned in the object clause of the company.
and it will be considered as void. The activity will be injuncted, will be stayed, and the directors and promoters will be personally liable for the same. So friends, deciding the object with which the company needs to be formed. Agar aap chahte ho to uske saath other objects bhi decide kar sakte ho, uske saath ancillary, incidental, associated, dusre objectives bhi decide kar sakte ho, par aap jo aapki company ka objective rakhna chahte ho, wo is stage pe decided hona chahiye. And aapko khas dhyan rakhna hai ki aap jo object decide kar rahe ho, wo jan hit, public interest, public policy, ya desh hit ke viruddh nahi hona chahiye. एक बार आप ऑब्जेक्ट्स डिसाइड करते हो, फिर आपको यह भी डिसाइड कर लेना होगा एटलीस्ट इस जंक्चर पे कि आप कौन से स्टेट के अंदर रजिस्टर ऑफिस को रखना चाहते हो. प्लस आपको आपकी कंपनी का कैपिटल डिसाइड करना होगा और उसमें मुख्य तीन चीज डिसाइड करनी होगी. आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स रखना चाहते हो, उन शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होगी, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको जो ऑथोराइज कैपिटल मिलता है वो. ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है. एंड फ्रेंड्स, इस ऑथोराइज कैपिटल के मुताबिक आपको स्टैम्प ड्यूटी भी भरनी होगी. सो ये डिसाइड करते वक्त आपको एडिक्वेट केयर लेना चाहिए कि आप जो कंपनी को पर्याप्त कैपिटल की आवश्यकता है वो यहां पे डिसाइड करें. आप बोलते हो सर अगर हम अभी कम डिसाइड करें बाद में बढ़ा दें, तो जब आप ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो, बेशक आप इंक्रीज कर सकते हो, पर जब आप इंक्रीज करोगे तो जो इंक्रीमेंटल ऑथोराइज कैपिटल है उसके ऊपर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी. गवर्नमेंट कभी भी उसके रेवेन्यू लॉस को बैर कर बर्दाश्त करती नहीं है. So you need to decide the authorized capital of the company. You need to decide the liability of the company, that whether the company's liability will be limited by shares, whether it will be limited by guarantee without share capital, which will generally be find in section 8 company, that is NTC, non-trading concern, ya aap keh sakte ho license company, ya fir aapke company ki liability rahegi liability limited by guarantee with share capital. So liability bhi aapko is juncture pe decide karni hogi. And mukhya एक काम, दैट इज टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी. क्या आप कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना होगा. एंड फ्रेंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज द नेम ऑफ द कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेम इज समथिंग बाय विच द कंपनी इज नोन. So let's have a look on that. आप ऐसा नाम डिसाइड कीजिए जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मैच तो ना ही होता हो, पर जो किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी इन्फ्रिंज ना करता हो. आपकी कंपनी का नाम डिजायरेबल होना चाहिए, यानी कि कंफ्यूजिंग, कंफ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए. एंड आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो आप अवेलेबिलिटी चेक करवाओगे किसके पास, सीआरसी यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास. और उसके लिए पहले आपको फॉर्म INC 1 भरना था, पर अब आपको फॉर्म रन भरना होता है. रन स्टैंड्स फॉर रजिस्टर यूनिक नेम, इन विच यू कैन सजेस्ट वन नेम. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू पे 1,000 rupees फीस बाय स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट, बिकॉज योर नेम शुड मैच विद द ऑब्जेक्ट. एंड इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इट विद एनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन. जैसे आप ये सब कुछ ROC को दोगे, ROC यानी कि CRC विल डू इन डेप्थ चेकिंग विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ नेम. अब दो सिचुएशन हो सकते हैं, आपने जो नाम मांगा वो अवेलेबल हो या आपने जो नाम मांगा वो अवेलेबल ना हो. अगर आपने जो नाम मांगा है वो अवेलेबल नहीं होगा तो CRC आपको ईमेल के माध्यम से इंटीमेशन कर देगा कि भाई ये नाम अवेलेबल नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो कंपनी को नया फॉर्म भर देना होगा. पर अगर फ्रेंड्स आपने जो नाम मांगा था वो नाम अवेलेबल होगा तो सीआरसी आपको ईमेल के माध्यम से बता देगा कि द नेम इज अवेलेबल. एंड फ्रॉम द डेट द इंटीमेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, इट इज रिजर्व फॉर 20 days, एंड उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा. सो वहां से 20 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी को बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट कर देना होगा, बिकॉज अगर आपने 20 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो 21वें दिन ये नाम लैप्स हो जाएगा. एंड उसके बाद अगर किसी और ने नहीं मांगा तो ये वापस से आपको अवेलेबल हो सकता है, पर किसी और ने मांगा तो उसको भी अवेलेबल हो सकता है. या फिर आप कह सकते हो कि वापस से आपको नाम रिजर्व करवाने की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. सो जो रिजर्व यूनिक नेम जो है वो 20 दिन तक वैलिड रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है. बस फ्रेंड्स, कुछ खास चीजें जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए जब आप नेम
को डिसाइड करने के लिए आगे बढ़ते हो, वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल, सिमिलर, रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। वो किसी भी एक्ट के मुताबिक अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। जो एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इनप्रॉपर यूज एक्ट है, उसको भी वो कंट्रावीन नहीं करना चाहिए। यानी कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी के नाम के अंदर नहीं होने चाहिए। हमारी कंपनी के नाम के अंदर कुछ अनडिजायरेबल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि कोई वर्ड अगर हो जो गवर्नमेंट का या किसी लोकल अथॉरिटी का पेट्रोनिम यानी गुडविल एंजॉय करता हो, वैसे शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उनकी परमिशन लेते हो तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसे कोई वर्ड्स हो जो आप यूज करना चाहते हो तो फिर आप उनकी परमिशन ले लो, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। फिर अगर आप आपके वर्ड नाम के अंदर नेशनल वर्ड यूज करना चाहते हो तो नॉर्मली कोई कंपनी नहीं कर सकती, पर हाँ अगर गवर्नमेंट का स्टेक इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, तो फिर वो लोग कर सकते हैं। अगर आप बैंक वर्ड यूज करना चाहते हो तो फिर आपको NOC लेना होगा RBI के पास से, या फिर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज वर्ड यूज करना चाहते हो तो आपको SEBI के पास से NOC लेना पड़ेगा। सो अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड बैंक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ऐसे वर्ड्स का उपयोग आप करना चाहते हो तो आपको उस सेक्टर को गवर्न करने वाली अथॉरिटी के पास से NOC लेना पड़ेगा। एंड आप बोलते हो कि सर हम तो ये सबको ध्यान में लिया ही बिना ही अगर ऐसे ही कंपनी बना दे, कंपनी का नाम डिसाइड कर ले तो क्या होगा? तो रिमेंबर फ्रेंड्स, वेयर आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम इट इज फाउंड दैट द नेम वॉज अप्लाइड बाय फर्निशिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, देन अगर कंपनी को सिर्फ अभी बनाने की प्रोसेस शुरू हुई, अभी तक कंपनी नहीं बनी है, तो जो रिजर्व नेम वो कैंसिल हो जाएगा एंड जिस इंसान ने एप्लीकेशन की थी ही विल बी लायबल टू द पेनल्टी अप टू 1 lakh rupees। अगर कंपनी बन चुकी है तो फिर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अगर अभी तक कुछ वैसा डिटेल्ड काम हुआ है और उसे बंद करना आवश्यक नहीं है कंपनी को, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट कंपनी टू डू कंपल्सरी चेंज ऑफ नेम एंड तो फिर उसे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा हुआ हो कि अभी कंपनी बनी हो और काम हुआ हो पर उसे बंद कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगा। एंड एक चीज का फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि नेम अप्रूवल के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस स्टेज पे रन फॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम अवेलेबल करवाइए, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप जब मेन फॉर्म भरते हो स्पाइस फॉर्म, उसमें भी डायरेक्टली आप नेम अप्रूवल के लिए आगे बढ़ सकते हो। सो इधर यू कैन सेपरेटली फाइल फॉर्म RUN, और इंस्टेड ऑफ फाइलिंग फ्रॉम RUN सेपरेटली यू कैन डू ऑल दोज नेसेसरी कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म नेम इन द मेन फॉर्म दैट इज स्पाइस फॉर्म। ये सब कुछ हो जाए फ्रेंड्स तो एक चीज का ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC होनी चाहिए। किन किन के पास? डायरेक्टर्स के पास, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास, एंड जो कोई इंसान साइनिंग ऑफ द अथॉरिटी है उन सबके पास DSC होनी चाहिए। बिकॉज ये इनकॉर्पोरेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है उन्हें आपको DSC से ही साइन करना पड़ेगा। एंड लास्टली आपको कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स को डिसाइड करना होगा जो कंपनी की भागदौड़ संभालेगी। जब तक डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग के अंदर ना किया जाए, OPC हो तो मिनिमम 1 चाहिए, प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। आप 15 तक रख सकते हो, अगर आप 15 से ज्यादा रखना चाहते हो तो फिर शेयर होल्डर्स के अप्रूवल चाहिए, जिसमें जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। फ्रेंड, इससे भी बड़ी चीज फर्स्ट डायरेक्टर्स के रिलेटेड ये है कि उनके पास डिन होना चाहिए। अब सारे डायरेक्टर्स के पास अगर डिन ऑलरेडी पहले से हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट इफ डायरेक्टर्स आर नॉट हैविंग डिन देन they need to apply and obtain DIN before becoming the director or the first director as the case may be. So, अगर हम 5 director को appoint और उसके अंदर भी ऐसा है कि 3 directors तक तो आप spice form में DIN के लिए apply कर सकते हो, पर उससे ज्यादा directors अगर हो तो फिर आपको उन excess directors के लिए additional अलग-अलग form DIR 3 file करना होगा। So friends, let us take an example that if we want to have 5 first directors of the company and assume that no one has DIN, तो फिर कोई भी 3 directors के DIN के लिए आप main spice 32 form में apply करोगे, पर बाकी 2 directors जो बचे
उसके लिए आपको DIR 3 भरना ही पड़ेगा. सो द प्रोविजन गोज समथिंग लाइक दिस, दैट इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज मोर देन 3, देन फॉर ऑल द डायरेक्टर्स इन एक्सेस ऑफ 3 टू ऑब्टेन देयर डिन, लॉच फ्रॉम DIR 3. सिंस अप टू 3 डायरेक्टर डिन एप्लीकेशन कैन बी मेड इन इनकॉर्पोरेशन फॉर्म इटसेल्फ. इफ फर्स्ट डायरेक्टर ऑलरेडी पजेस डिन, तो फिर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज डिन एक ही बार लेना पड़ता है, जब तक उसे कैंसिल ना कर दिया जाए तब तक. सो आपको बार बार डिन लेने की कोई आवश्यकता होती नहीं है. फ्रेंड्स, इतने स्टेप्स हो जाए, अर्थात कंपनी के सब्सक्राइबर्स को डिसाइड करना, ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड करना, कैपिटल को डिसाइड करना, लायबिलिटी को डिसाइड करना, रजिस्टर ऑफिस को फिक्स करना, नाम डिसाइड करना, DSC ऑब्टेन करवा लेना एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स को डिसाइड कर लेना, ये सब कुछ जब हो जाता है तो आप कह सकते हो एक पूर्व तैयारी के तौर पे जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनाने की आवश्यकता है, उस डॉक्यूमेंट्स के पूर्व जो फॉर्मेशन स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो आपने ऑलमोस्ट ले लिए. सो फ्रेंड्स, नाउ देयर इज अ नीड टू prepare various documents with respect to incorporation of a company. Friends, बहुत पुराने जमाने में जब traditional process था तो एक बहुत लंबा list था, उसके बाद integrated process आया तो ये list को थोड़ा कम किया गया by integrating various forms, by combining various forms. And spice के generation में तो ये documents की limit को बहुत ही कम कर दिया गया, because majority of the details are being demanded in the spice form itself. तो आइए friends, एक नजर डालते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी एक कंपनी को बनाने के लिए. एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी एनेक्स्ड, अटैच्ड, एकम्पनीड टू द मेन फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज फॉर्म INC 32 स्पाइस. नाउ फ्रेंड्स, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व्ड है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो ऑथोराइज, जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है वो तो साइन कर ही सकते हैं, पर अगर सारे लोग उस सारे डॉक्यूमेंट को साइन करना ना चाहते हो तो वो लोग किसी इंसान के फेवर में पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं और उस इंसान को अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें साइन करें. दूसरा, हमें एक डिक्लेरेशन चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए. पहले कंपनीज एक्ट 2013 में ये एफिडेविट था, पर कंपनीज अमेंडेड एक्ट 2017 में एक चेंज आया एंड नाउ इट हैज बीन मेड अ सेल्फ डिक्लेरेशन. ये सेल्फ डिक्लेरेशन दो प्रकार के लोगों के द्वारा दिया जाता है, एक जो सब्सक्राइबर्स है एंड दूसरे जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है, जिसके अंदर वो लोग मुख्य तीन चीजें बताते हैं. वो लोग पहले तो बताते हैं कि वो कंपनी को फॉर्म करने में, कंपनी को प्रमोट करने में एंड कंपनी को मैनेज करने के रिलेटेड कोई भी गुनाह में इन्वॉल्व नहीं है. दूसरा, पिछले 5 सालों के अंदर वो कभी भी फ्रॉड या मिसवियसेंस के रिलेटेड गुनाह में गिल्टी प्रूव नहीं हुए, 5 साल के पहले हुए हो तो चलेगा. एंड तीसरा, जो भी जानकारी प्रोवाइड की जा रही है वो एकदम ट्रू एंड कंप्लीट. इसके साथ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनका फॉर्म DIR 2 भी भरवाना होगा, जिसके अंदर दो चीजों का जिक्र आता है. एक, दे गिव कंसेंट टू एक्ट एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड दूसरा, वो और जहां जहां इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है, उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वो लोग फॉर्म DIR 2 में करते हैं. सो फॉर्म फ्रेंड्स, मेनली 3 डॉक्यूमेंट्स हुए, पावर ऑफ अटर्नी, फॉर्म INC 9 एंड DIR 2. फ्रेंड्स, एक ध्यान हमें लेना होगा और दो मुख्य कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एंड अब वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म है फॉर्म INC 33 स्पाइस. एंड आप जिस प्रकार की कंपनी को बनाना चाहते हो उस प्रकार के फॉर्मेट को आपको अडॉप्ट करना होगा Schedule 1 में से. यानी कि अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाना चाहते हो तो Schedule 1 का Table A आपको यूज करना होगा. अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल बनाना चाहते हो तो आपको Table B को अडॉप्ट करना होगा. अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल बनाना चाहते हो तो Table C यूज करना होगा. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, अगर आप अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल बनाना चाहते हो तो Table D, एंड अनलिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो तो फिर शेयर कैपिटल वाली, तो फिर Table E आएगा. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी you need to adopt any of the table A, B, C, D or E from the tables given in Schedule 1 to the Act, and this will be filed
inform INC 33 spice. Friends, Memorandum of Association tells you about the company, and the another very important document is Articles of Association, which tells you with respect to the internal rules and regulations. Friends, uska form hai form INC 34 spice. Usko bhi schedule 1 ke andar 5 tables mein bifurcate kiya gaya hai, jisme se aapko type of company ke mutabik articles of association ko select karna hoga. Jaise aap dekh sakte ho friends, agar aapki company limited by shares ho to table F, agar company limited by guarantee with share capital ho to table G, agar aapki company limited by guarantee without share capital ho to H, unlimited company having share capital to I, unlimited company not having share capital to aapko table J ka use karna hoga. So is prakar se friends, memorandum of association ke liye schedule 1 ka A, B, C, D, E, articles of association ke liye schedule 1 ka F, G, H, I, J, is prakar se aap aapki company ke liability ke mutabik ek form ko select kar loge. Friends, दूसरी कुछ documents आपको attach करने होते हैं आपके statutory approvals related. यानी अगर आपकी कोई company हो जो कोई statutory authority के द्वारा नियंत्रित हो, means you want to incorporate a company which is regulated by any statutory authority. Let us say for example, if you want to incorporate a banking company, तो banking company is regulated by Banking Regulation Act 1949 and the statutory authority is RBI. तो फिर आपको कंपनी को बनाने के पूर्व आरबीआई की भी अप्रूवल लेनी होगी. सिमिलरली अगर आप टेलीकॉम कंपनी बनाना चाहते हो तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी होगी. अगर आप इंश्योरेंस कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी होगी. सो फ्रेंड्स, रेगुलेटेड सेक्टर्स अगर हो तो उन रेगुलेटेड सेक्टर्स के हर्ताकर्ता स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास से आपको अप्रूवल लेनी होगी. एंड फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बारे में भी हमें कुछ चीजें देखनी होगी. फ्रेंड्स, इनकॉर्पोरेशन करते वक्त दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जिसको हमने काफी डिटेल में देखा. वन इज नेम एंड द अनदर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस. आज हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, अभी तक हमने आरओसी को अप्लाई नहीं किया, तो हम एक प्रश्न पूछेंगे कि क्या हमारे पास ऐसी कोई जगह है जिसको हम रजिस्टर ऑफिस के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं. अगर नहीं है तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कम्युनिकेट कर दीजिए स्पाइस फॉर्म के अंदर कि जब तक रजिस्टर ऑफिस एस्टैब्लिश ना हो तब तक सारे कॉरेस्पॉन्डेंस उस एड्रेस पे किए जाए. एंड जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उसके 30 डेज के अंदर रजिस्टर ऑफिस आ जाने चाहिए, और उसके बाद तो जब तक कंपनी डिसॉल्व ना हो तब तक सारे टाइम कंपनी की रजिस्टर ऑफिस होनी ही चाहिए. पर यह कब होगा? जब आज आपके पास रजिस्टर ऑफिस के लिए कोई जगह ना हो. पर सोच लीजिए कि फ्रेंड्स, आपके पास कोई रजिस्टर ऑफिस के लिए जगह हो तो आपको उस रजिस्टर ऑफिस की डिटेल्स को स्पाइस फॉर्म में बताना होगा. अब अलग से कोई फॉर्म आईएनसी 22 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, पर बेशक आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्पाइस फॉर्म में अटैच करना होगा. आइए एक नजर डालते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. यूटिलिटी बिल जो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए वो आप अटैच करोगे, यानी टेलीफोन बिल, टैक्स बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी बिल चलेगा. अगर आपकी जगह लीज्ड पे हो तो आपको ओनर या लेसर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई उसकी जगह अगर हम यूज करते हैं रजिस्टर ऑफिस तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. रेंटल अग्रीमेंट जो होगा और आपने रेंट पे किए उसकी रिसिप्ट भी आपको अटैच करनी पड़ेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्टली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको कलेक्ट कर लेने होंगे, दैट इज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द डायरेक्टर्स. इतनी चीजें आपके पास आ जाती है. सो फ्रेंड्स, वंस द formation and documentation process is completed, after that we need to move towards the registration process, that is registration of company. For that we need to have an association of person. Aap dekh sakte ho ki agar private company banani ho to minimum 2 log chahiye, public company banani ho to minimum 7 log chahiye, OPC banani ho to aapke paas minimum 1 member and 1 nominee chahiye. Ye association of person रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी को, आज तो सब कुछ ऑनलाइन है, यानी कि उसके वेबसाइट www.mca.gov.in के ऊपर फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फीस भरेगा. फॉर्म यानी फॉर्म, मेन फॉर्म INC 32 स्पाइस.
उसके साथ जो हमने आगे वाले पार्ट में जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देखे वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, एंड उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 में जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है वो फीस भरेगा। पर फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हो कि 26 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया फीस के रिलेटेड, तो उसको भी ध्यान में लेना चाहिए। एक बार एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये सब कुछ आरओसी को देता है तो आरओसी उसका इनडेप्थ एनालिसिस करता है, एंड अगर आरओसी को सब कुछ सही लगे तो आरओसी अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में ये सारी डिटेल्स को एंटर कर देता है और हमें प्रूफ के तौर पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट करता है फॉर्म INC 11 में। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन था वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस किया जाता है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिलता है तो उसके कारण क्या इफेक्ट आती है, तो कंपनी फ्रॉम दैट डे, दैट इज द डे विच इज रिटर्न इन इट एज अ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन से कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी कैन बाय द थिंग्स, कंपनी कैन होल्ड द थिंग्स, कंपनी कैन सेल द थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन नेम। कंपनी कैन एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन इट्स ओन नेम। एंड कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड, यानी कंपनी केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है, अगेन ऑल दिस थिंग्स इन इट्स ओन नेम। एंड फ्रेंड्स, सर्टेन थिंग्स आर डिस्क्लोज इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 में मिलता है उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है वो लिखा होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम SIN कहते हैं वो लिखा होगा। इसके अलावा और दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई होगी, दैट इज, वन इज द PAN परमानेंट अकाउंट नंबर एंड दूसरा 10। एंड किस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो तारीख भी बताई होगी। सो दैट्स हाउ द डे ऑन विच यू गेट दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दैट, एंड दिस इज द इम्पैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एंड दैट्स हाउ, बाय फॉलोइंग फ्रेंड्स दिस ऑल स्टेप्स यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। अगर फ्रेंड्स कंपनी को बनाते वक्त कोई फ्रॉड हुआ है, यानी कि किसी ने फ्रॉड करने का प्रयास किया है, तो ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा। सो फ्रेंड्स, फ्रॉड तो गलत चीज ही है। सो अगर कंपनी को बनाते वक्त अगर फ्रॉड हुआ हो, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करते वक्त अगर फ्रॉड हुआ हो, तो फ्रॉडस्टर्स जो है उनके ऊपर सेक्शन 447 की पेनल्टी तो बेशक लगेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपनी बनाई गई है और उसके बनाने वाले लोगों के साथ क्या किया जाएगा वो भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। एक चीज का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी आप कंपनी को प्रमोट मैनेज या फॉर्म करने के फ्रॉड में इन्वॉल्व हुए तो ध्यान रखिए आप आगे जाके कभी कोई कंपनी बना नहीं पाएंगे। रीजन, आप फॉर्म INC 9 का जो डिक्लेरेशन देना होता है वो नहीं दे पाएंगे। आइए नजर डालते हैं प्रोविजंस के ऊपर। ट्रिब्यूनल जब भी कोई भी प्रकार का ऑर्डर पास करता है वो हमेशा कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इस मामले के अंदर देता ही है, एंड उसके बाद कंपनी ने जो ट्रांजैक्शंस किए, कंपनी ने जो अलग अलग ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी को उठाया है, एंड कंपनी की लायबिलिटीज के पेमेंट की जो स्थिति है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल हमेशा ऑर्डर पास करेगा। बिकॉज फ्रॉड हुआ है, कंपनी ने फ्रॉड किया है, पर उसका असर पब्लिक एट लार्ज को नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल के कौन कौन से ऑर्डर आ सकते हैं, तो लॉ ये कहता है कि वेर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग यानी कि प्रोवाइडिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर बाय सप्रेसिंग यानी प्रोवाइडिंग लेसर एनी इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिक्लेरेशन फाइल। फ्रेंड्स, फील्ड नहीं है, फाइल। द ट्रिब्यूनल मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बींग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो रिक्वायर्स वॉरंट्स। क्या कर सकती है अगर कंपनी ने अभी तक कुछ इतना मेजर कोई काम ना किया हो,
तो इट में डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, जिसे हम स्ट्राइक ऑफ भी कह सकते हैं, जो इंटरमीडिएट में नहीं है पर सीए फाइनल में सेक्शन 248 में आता है। पर अगर कंपनी ने कोई काम किया हो, मीन्स थोड़े एसेट्स लाइबिलिटी लिया पर उसको बंद करना उतना डिफिकल्ट ना हो, तो उसका बाइंडिंग अप पिटिशन कर सकते हैं एनसीएलटी को। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि उतने जितने भी मेंबर्स है उन सबकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर ऐसा हो कि कंपनी को बंद नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑर्डर्स पास किए जाए जिससे मैनेजमेंट को नियंत्रित यानी कि रेगुलेट किया जाए, इंक्लूडिंग अगर जरूरत पड़े तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को जनहित में ऑल्टर भी कर सकते हैं। यानी इसके अलावा कोई भी प्रकार के ऑर्डर्स जो ट्रिब्यूनल को डीम फिट लगे तो ट्रिब्यूनल पास कर सकता है, पर फ्रॉडुलेंट तरीके से जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है उसे एक ट्रीटमेंट तो मिलने ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, हियरबाय वी एंड अप विद द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, जिसको आप बोल सकते हो हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक इनकॉर्पोरेशन एंड दूसरा फ्रॉडुलेंट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन को हमने तीन पार्ट में ब्रेक किया था, फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन के अंदर अगर हम जाए तो फॉर्मेशन के अंदर आता था कि आपको कुछ अलग अलग चीजों के बारे में सोचना होगा, जैसे कि कंपनी का आप कह सकते हो कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन होगी, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी का कैपिटल क्या होगा, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की रजिस्टर ऑफिस कहाँ होगी, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, डीएससी ली कि नहीं ली, ये सब फॉर्मेशन में सोचते थे। फिर डॉक्यूमेंटेशन आता था, पावर ऑफ अटर्नी, एमओए, आईएनसी 33 स्पाइस, एओए, आईएनसी 34 स्पाइस, आईएनसी 9, डीआईआर 2, रजिस्टर ऑफिस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड डायरेक्टर्स के रिलेटेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सब कुछ आप आरओसी को ऑनलाइन फॉर्म भरते थे रजिस्ट्रेशन के अंदर, फॉर्म आईएनसी 32 स्पाइस के अंदर, एंड फिर आपको आरओसी फॉर्म आईएनसी 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता था। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मुख्य ध्यान रखने लायक चीज थी कंपनी का नाम, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस, कंपनी का सिन एंड कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू नंबर्स, पान एंड टान। एंड इस तरीके से कंपनी बन जाती थी, और फ्रॉडुलेंट इनकॉर्पोरेशन हुआ तो उसको इक्वल एक ट्रीटमेंट भी दी जाती थी, जिसके अंदर कंपनी के साथ कुछ किया जाएगा और साथ साथ डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो भी इंसान फ्रॉडस्टर्स थे उनको भी एक लीगल ट्रीटमेंट दी जाएगी।